और मैं हूँ आपके साथ नेहा। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने उन्हें संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद द्रौपदी मुर्मू ने बतौर राष्ट्रपति देश के नाम अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी शिक्षा और संघर्ष के दिनों का जिक्र कर लोगों को प्रेरित भी किया। आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बचपन का नाम कुछ और था, जिसे उनके स्कूल टीचर ने बदलकर उन्हें महाभारत के एक चरित्र पर आधारित का नाम दिया था। इसी बीच अगर आपको बता दें कि यहाँ पर इस बीच संबोधन में द्रौपदी मुर्मू बहुत सी बातें कहती नजर आई और लोगों को प्रेरित करती नजर आई कि आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू सिर्फ एक सिंगल फ्रॉक और सिंगल चप्पल में स्कूल जाया करती थी। बीच में देखा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू जिस चप्पल और फ्रॉक में स्कूल जाती थी, आज वो इतने बड़े पद पर बैठने के बाद देश की कमान संभालने के लिए तैयार हो गई है। आइए आपको बताते हैं द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में। और इस बीच यहाँ पर बता दूं आपको कि द्रौपदी मुर्मू के दामाद के बारे में कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू ने शादी कर उनके दामाद के बारे में यहाँ पर एक खुलासा किया है। आइए बताते हैं आपको अपनी रिपोर्ट। आपको बता दें कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही ओडिशा से प्रकाशित होने वाली एक वीडियो को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके बचपन का संथाली नाम पूती था, जिसे उनके टीचर ने बदलकर द्रौपदी कर दिया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने पत्रिका को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि द्रौपदी मुर्मू मूल नाम नहीं था, यह मेरे शिक्षक द्वारा दिया गया था, जो मेरे मूल मयूरगंज से नहीं बल्कि दूसरे जिले से थे। उन्होंने दावा किया कि आदिवासी बहुल मयूरगंज जिले के शिक्षक 1960 के दशक में बालासोर या कटक से यात्रा करते थे। राष्ट्रपति ने बताया कि शिक्षक को मेरा पिछला नाम पसंद नहीं आया और इसे अच्छे के लिए बदल दिया। उन्होंने पत्रिका को बताया कि उन्हें द्रौपदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महाभारत के चरित्र से मिलता जुलता नाम है। उन्होंने बताया कि उनका नाम को कई बार द्रौपदी से द्रौपदी भी बदला दिया था। संथाली संस्कृति में नाम नहीं मरते। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि अगर संथाली समाज में एक लड़की पैदा होती है तो वह अपने दादी का नाम लेती है, जबकि एक लड़के के पैदा होने पर उसे उसके दादा का नाम दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका स्कूलों और कॉलेजों में उपनाम टुड्डू था, लेकिन एक बैंक अधिकारी श्याम चरण टुड्डू से शादी करने के बाद उन्होंने अपने नाम के आगे मुर्मू लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच अगर आपको बताते चले कि आज द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस बीच में देखा गया कि यहाँ पर तमाम सांसद यहाँ पर किसी के मारे ठिकाने लगाते नजर नहीं आए। यहाँ पर अगर बात करें हम कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसको लेकर द्रौपदी मुर्मू का क्या कहना है। इस बीच यहाँ पर बता दूं कि चीन के राष्ट्रपति भी ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है, क्योंकि बता दें आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। जी जिनपिंग ने सोमवार को बधाई देते हुए कहा कि वह दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक विश्वास बढ़ाने और मतभेदों को दूर करने की दिशा में उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। जिनपिंग ने अपने बधाई संदेश में कहा कि चीन और भारत एक दूसरे के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। दोनों देश साथ मिलकर मतभेदों को दूर करने और विकास की दिशा में काम करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगे कहा कि चीन भारत के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों के नागरिकों के मूलभूत हितों के साथ साथ क्षेत्र में और पूरी दुनिया में शांति स्थिरता के साथ साथ क्षेत्र में और पूरी दुनिया में शांति स्थिरता विकास के लिए अनुकूल और जरूरी है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वह चीन भारत के बीच संबंधों को काफी महत्व देते हैं। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक विश्वास बढ़ाने और मतभेदों को दूर करने के अलावा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मिलकर काम करने की तैयारी में है।
जी जिनपिंग के अलावा आर्थिक संकटों में घिरे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद के सेंट्रल हॉल में देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। भारत के चीफ जस्टिस एस वी रमना उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस बीच यहां पर आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को दूसरे देशों से भी बधाई आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहां देखा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने एक आदिवासी महिला होने के बाद बहुत बड़ा पद हासिल किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को सोमवार को संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। समारोह में विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों द्वारा राज्यसभा के सभापति को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अनादर करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सोमवार और अन्य विपक्षी दलों ने सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसी सीट पर बिठाया जो उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर यह दावा भी किया कि एक वरिष्ठ नेता का जानबूझकर अनादर किया गया। इसको लेकर वे हैरानी और विरोध जताते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर ये पत्र साझा करते हुए बताया कि इस तरीके से यहां पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सभापति एम के वेंकैया नायडू को पत्र लिखा। पत्र में इन दलों ने कहा कि आज राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसी सीट पर बिठाया गया जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थे। हम वरिष्ठ नेता के प्रति दिखाए गए इस अपमान पर अपना विरोध व्यक्त करने के लिए दिख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू 64 साल की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। साथ ही में आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली शख्सियत है जो राष्ट्रपति बनी है। इस मामले पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह गृह मंत्रालय आयोजित करता है और उसका एक वैधकरण है जिसमें विपक्ष के नेता की सीट तीसरी पंक्ति में आती है। मल्लिकार्जुन खड़गे की वरिष्ठता और उनके पद का सम्मान करते हुए हमने उन्हें पहली पंक्ति में सीट प्रदान की गई। जब उन्होंने सीट के कोने में होने की शिकायत की तो कर्मचारी ने उन्हें बीच में ले जाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शनिवार को राष्ट्रपति के विदाई समारोह में भी उनको प्रधानमंत्री की बगल वाली सीट दी गई थी, लेकिन वह उस दिन नहीं आए थे। एक तरह से राष्ट्रपति, सभापति और स्पीकर का अपमान था। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।